अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं जो कि उत्तराखंड के मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई है। लगातार उत्तराखंड में के मौसम में बदलाव नजर आ रहा है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं 25 जून से पहले भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए तो मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया और साथ ही उन जिलों का जिक्र भी किया है जहाँ पर भारी बारिश होने वाली है। ऐसे में तमाम जो रहवासी है उत्तराखंड के, उनसे अपील की गई है कि मौसम के बदलते मिजाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर लिया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है जहां पर कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इससे बचने के लिए, और वहीं पर अगर देहरादून और साथ ही उत्तराखंड की आम जनता की बात कर ली जाए तो उनकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए, जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, खास तौर पर भारी बारिश की चेतावनी जारी करता है, तो शासन प्रशासन को मौसम विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया जाता है और उसमें एडवाइजरी भी जारी की जाती है। खास तौर पर चूंकि चार धाम यात्रा चल रही है, तो यात्रियों की सुरक्षा मौसम विभाग के लिहाज से भी और राज्य सरकार के लिहाज से भी प्राथमिकता में शुमार हो जाता है। ऐसे में चार धाम यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, इस पर फोकस किया जाता है। और जब मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जाता है तो शासन प्रशासन की जो संबंधित अधिकारी हैं वो अलर्ट और सतर्क हो जाते हैं और जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनको मुकम्मल करने की कवायद में जुट जाते हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा है, और जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उनको सतर्क रहने के लिए कहा है, और जिन क्षेत्रों में आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है उसकी संभावना जताई गई है, ऐसे क्षेत्रों में जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने की भी बात कही गई है। और यात्रियों से भी ये अपील की जा रही है सरकार के स्तर पर कि जो भी यात्री चार धाम यात्रा करने पहुंच रहे हैं, खास तौर पर हेमकुंड साहिब की, केदारनाथ धाम की, बद्रीनाथ धाम की, यमुनोत्री की और गंगोत्री धाम की, तो ऐसे में इन मार्गों पर कई बार भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है, तो जो लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है उनसे यात्रियों की परेशानी ना बढ़े तो मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जी, लेकिन सोनू, जब भी मानसून दस्तक देता है उत्तराखंड में तो लैंडस्लाइड और भारी बारिश और उसके साथ ही ओलावृष्टि के साथ ही बर्फबारी जैसी चीजें भी सामने आती है। अब ऐसे में जो रहवासी है उसे काफी परेशानी होती है, वो ऐसे क्षेत्र उत्तराखंड के जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होता है वहां पर प्रशासन के क्या इंतजाम है, और साथ ही अगर चारधाम यात्रा की बात कर ली जाए तो श्रद्धालुओं को किस प्रकार से अलर्ट किया गया है? देखिए, श्रद्धालुओं से तो अलग अलग माध्यमों से अनुरोध किया जा रहा है और सुरक्षा के ज्यादा से ज्यादा प्रबंध करने के शासन स्तर पर दावे किए जा रहे हैं। जहां तक मौसम का जब मिजाज ज्यादा बदलता है और भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं शासन के लिए, प्रशासन के लिए चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। नदियों का उफान हो जाता है, विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है और खास तौर पर जो रसद है, जो खाद्य सामग्री है, कई बार उसका भी संकट देखा जाता है। तो इसके लिए सरकार ने स्टैंड बाय में हेलीकॉप्टर और सेना की अलग अलग विंग है उनसे समन्वय स्थापित करने की बात कही है, और जो स्वास्थ्य महकमा है उसको अलर्ट रहने की बात कही है, क्योंकि किसी भी हालात से निपटने के लिए, और जैसा कि आपने स्वयं भी जिक्र किया कि जब ज्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती है, तो भूस्खलन वाले मार्गों पर जेसीबी लगाए जाने की बात कही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी, पुलिस फोर्सेज और खास तौर पर एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनको अलर्ट और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो तमाम जो इंतजाम हैं सरकार की तरफ से उनको पुख्ता किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, और जहां पर भी जो एरिया ज्यादा संवेदनशील है वहां पर अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किए जाने की
बात कही जा रही है। जी, तो प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं और बढ़ती बारिश को लेकर, भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के तमाम जिलों में अब अलर्ट जारी कर दिया है, जहाँ पर कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। साथ ही 25 जून से पहले भारी बारिश की संभावना जता दी गई। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो चारधाम यात्रा के लिए रवाना होते हैं, लाखों की संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऐसे में आपसे भी अपील है कि अगर आप भी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो मौसम विभाग से पहले अपडेट ले लें और उसके बाद में ही ये यात्रा करें, ताकि आपकी यात्रा सुगम हो।